हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। गुड मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं हम लोग फिजिक्स का चैप्टर फोर्थ, लॉज ऑफ मोशन। ओके, शुरू मतलब जहाँ से वहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा क्विक रिकैप देख लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है कुछ बेसिक्स की, फोर्स क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मोशन क्या होता है, स्टडी ऑफ मोशन के क्लासिफिकेशन देखे हमने, राइट। फिर टाइप्स ऑफ मोशन देखे, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पैराबोलिक मोशन। फिर हमने एक एरिस्टोटल पॉलिसी के नाम से जो कंसेप्ट था वो देखा और डेप्थ में, उस पर कुछ डाउट्स भी क्लियर किए हमने, राइट। थोड़े एग्जांपल्स देखे, कुछ वीडियोस देखे। फिर हमने स्टार्ट किया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तीन लॉ बताए न्यूटन साहब, हमने देखे, ठीक है, तीनों लॉ क्लियर थे। फिर हमने देखा लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन, न्यूटोनियन फिजिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है। तो उसमें हमने पांच चीजें पढ़ी कि ये जो न्यूटन ने अज्यूम की, या फिर ये लिमिटेशंस है न्यूटन मैकेनिक्स की। उसमें से जो पहला था, ये मैंने कहा कि आपको अभी नहीं समझेगा, आपको मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा दिस होल पॉइंट, यू नो, टू ग्रास्प दिस होल थिंग। तो नाउ व्हाट विल स्टार्ट विथ दिस, हम पढ़ेंगे अभी ये जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, इससे शुरुआत करेंगे। हाँ, और एक चीज, मैंने आपको एक क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है, ये जो है ये पार्ट, कि अगर सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ की इंफॉर्मेशन मिल रही है डिराइव करके, तो फर्स्ट लॉ अलग से क्यों लिखा है। तो इसका मैंने आपको कल होमवर्क भी दिया था, राइट, और आज हम लोग ये डिस्कस भी करेंगे। ओके, बिफोर दैट वील स्टडी द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो एक बार वापस रिविजन के लिए एक बार देखते हैं क्या था फर्स्ट लिमिटेशन, दैट न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज ओनली एप्लीकेबल इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इफ द ऑब्जेक्ट इज आउट ऑफ इनर्शियल फ्रेम, वी अप्लाई अ सूडो फोर्स माइनस एम ए इन द इक्वेशन, ठीक है। तो अभी हम लोग सीखेंगे व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो बाद वाला पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जो सूडो फोर्स की बात है, ये हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, सो बी पेशेंट इनफ, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, सब कुछ एक साथ नहीं करेंगे। ओके, सो लेट अस बिगिन विथ टुडेज क्लास। Let me make some space for us. Yeah. Okay. और मैं एक चीज आपको वापस रिमाइंड करना चाहता हूँ। देखो, दिस इज एन ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है, सो आई एम नॉट एबल टू गेट कि आप लोग को कितना समझ रहा है, कितना नहीं समझ रहा है। ओके, एक चीज कहते हैं हमेशा टीचर्स की, अगर आपको केमिस्ट्री नहीं समझ रहा है, देन दैट इज योर टीचर्स मिस्टेक एज वेल एज योर मिस्टेक्स, ठीक है, 50-50 कॉन्ट्रीब्यूशन है दोनों का। लेकिन अगर आपको फिजिक्स नहीं समझ रहा है, देन दैट इज योर टीचर्स मिस्टेक। ओके, एंड द फैक्ट दैट वी आर नॉट फेस टू फेस, सो आई एम नॉट एबल टू, यू नो, मेक आउट दैट वेदर यू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट और नॉट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू, इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, ओके, सो दैट वी कैन गेट अलॉन्ग। आई कैन नो कि आप कहाँ तक पहुंचे हो, कि आप क्लास के साथ हो या पिछले कोई कंसेप्ट में ही आप अटके हुए हो। और लिंगरिंग डाउट्स मत रखना, आगे जाके बहुत डिफिकल्टी होगी। ओके, जो डाउट अभी हम, यू नो, कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो तुरंत पूछ लेना, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करवा दूंगा। ओके, सो टुडेज कंसेप्ट, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे क्या, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो देखो, अभी ये जो अभी हम पढ़ने वाले हैं ना, ये बहुत ही, यू नो, क्रिटिकल कंसेप्ट है। आप में थोड़ा विजुअलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर समझना मुश्किल है, ठीक है। जो भी मैं कह रहा हूँ, यू शुड पिक्चराइज इट योरसेल्फ। आई विल हेल्प यू बाय ड्राइंग सम, यू नो, ड्राइंग सम पिक्चर्स, लेकिन मेरी ड्राइंग आप जानते हो, इट्स नॉट वेरी गुड, सो यू हैव टू, योर विजुअलाइजेशन हैव टू डू द रेस्ट ऑफ द पार्ट। ओके, सो पहले तो हम देखते हैं कि, यू नो, रिलेटिविटी क्या होती है। तो देखो, ये एक बंदा है, ठीक है, नाउ आई एम सेइंग दैट ही इज टॉल, ठीक है, तो क्या ये सही है, कैन एनीबडी इवेल्युएट वेदर ही इज टॉल और नॉट। ये तो एक रिलेटिव स्टेटमेंट हो गया। नहीं, अगर मैं इसके लेफ्ट साइड में कोई शॉर्टर बंदा ड्रॉ करता हूं,
तो फिर मैं कह सकता हूँ दैट ही स्टॉप। इफ आई वुड ड्रॉ अ टॉलर पर्सन सॉरी या इफ आई वुड ड्रॉ अ टॉलर पर्सन तो ये स्टेटमेंट एब्सर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी हम कहते हैं कि हिज फेयर, हाँ, हिज टॉल, हिज शॉर्ट या हिज हैवी, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं रिलेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल हाइट का ही ले लेते हैं, टॉल ले लेते हैं। ठीक है, सो दीज आर रिलेटिव स्टेटमेंट्स। इसके लिए कोई तो हमें दूसरा रेफरेंस चाहिए, ठीक है, टू से दैट वेदर दिस पर्सन इज टॉल और नॉट। लेकिन एक एब्सोल्यूट वे में, यू नो, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट क्या है? एब्सोल्यूट स्टेटमेंट कहता है कि ही 6 फीट। ठीक है, ये एक एब्सोल्यूट है। इसको अगर मैंने स्केल पे मेजर किया, इसकी हाइट, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 फीट। ठीक है, ही 6 फीट। सो दिस इज फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के रेफरेंस है 6 फीट है। ठीक है, तो ग्राउंड यहाँ पे हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस है। ठीक है, तो दो, देखो, दो चीजें होती है, एक होती है रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट। ठीक है, आप ये ध्यान में रख लेना। अभी हमने आज क्या सीखा है कि कुछ एब्सोल्यूट नॉलेज होता है, ओके, और कुछ रिलेटिव नॉलेज होता है, ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सिमिलर थिंग हम लोग अपने लाइफ में भी देखते हैं, राइट? एब्सोल्यूट नॉलेज एंड रिलेटिव नॉलेज। ही इज वेल्दियर, ही इज हैप्पियर, हाँ, ही इज मोर अट्रैक्टिव, ये कैसे हम कह सकते हैं? ये सब रिलेटिव है, ओके? हैप्पीनेस व्हाट वी आर ट्राइंग टू गेट इज रिलेटिव। ठीक है, सो नाउ अभी हम देखते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर रिलेटिव नॉलेज क्या है। इफ वी सी, इफ वी एनालाइज मोशन, तो मोशन हमेशा रिलेटिव होता है, राइट ना? अभी तो मान लो आप ये कार में हो, ठीक है, यू आर गोइंग ऑन अ पिकनिक विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, आजकल पिकनिक नहीं, आजकल मैं कह सकता हूँ गोवा ट्रिप पे जा रहे हो। अच्छी सीडान है, ठीक है, ये हेडलाइट्स है, ये बम्पर, ठीक है, और आपके फ्रेंड्स हैं, राइट? ठीक है, आपके फ्रेंड्स आप लोग, अरे ये तो एक सेडान में 6 लोग नहीं हो सकते, ओके, लेट इट बी। ठीक है, कोई एसयूवी ले लो, अच्छी बड़ी सी कार ले लो, ओके, तो उसमें आप सब लोग जा रहे हो, ओके, सो इफ यू आर सिटिंग राइट एट दिस पोजीशन, ओके, इफ यू आर सिटिंग एट दैट पोजीशन, देन ऑल द अदर्स, लाइक इफ यू सी देम, ओके, दे आर नॉट मूविंग फॉर यू, इवन दो दिस कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ से 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कार तो जा रही है आगे, ठीक है, लेकिन आपके लिए, आपके बगल में जो बैठा है या फिर जो पीछे बैठे, जो आगे बैठे, दे आर नॉट इन मोशन। ठीक है, बट एक बंदा अगर बाहर से देख रहा है ना, ओके, ही इज लुकिंग फ्रॉम हियर, एंड फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव ऑल ऑफ यू आर मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, बट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव दिस पर्सन इज मूविंग एट 0 किलोमीटर पर आवर, ओके, ही इज नॉट मूविंग एट ऑल फॉर यू, ओके, ही इज सिटिंग एट द सेम प्लेस, राइट? सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिलेटिव मोशन। ठीक है, मोशन हमेशा रिलेटिव होता है। देख, मान लो आपकी जो ये कार है, ये जा रही है बड़े से हाईवे पे, ठीक है, ये हाईवे ले लेते हैं, और ये आपकी कार है, ओके, और ये आपकी कार जा रही है एट स्पीड ऑफ
40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यहाँ पे डिवाइडर, ओके। नाउ इफ इट इज गोइंग एट 40 किलोमीटर पर आवर बट यू आर नॉट कंसिडरिंग दैट इवन द अर्थ इज रोटेटिंग, ठीक है, आप अर्थ पे ही तो चला रहे हो, सो यू आर सेइंग 40 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रोड, और आप मान रहे हो कि रोड तो इट इज स्टेशनरी, तो उसके रिलेटिव आप 40 किलोमीटर पर आवर जा रहे हो, लेकिन आप अर्थ देख लो, ये जो अर्थ है इट इज मूविंग अराउंड इट सेल्फ एट द स्पीड ऑफ 1700 किलोमीटर पर आवर, ये आप कंसिडर नहीं कर रहे, राइट। नाउ द अर्थ इज मूविंग नो अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर सेकेंड, ओके, दिस इज नॉट आवर, दिस इज सेकेंड, ठीक है, ये भी आप कंसिडर नहीं कर रहे, राइट। यू आर अज्यूमिंग एवरीथिंग एल्स इन द नेचर टू बी स्टेशनरी। थोड़ा और आगे जाते हैं, ठीक है। नाउ दी होल सोलर सिस्टम है ना, ये पूरी जो सोलर सिस्टम है हमारी, सन और बाकी सारे जो भी प्लैनेट्स है, इट इज मूविंग अराउंड यू नो द गैलेक्टिक सेंटर, जो भी गैलेक्सी है मिल्की वे उसके सेंटर के अराउंड ये घूम रही है विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर सेकेंड, ओके, इट इज सो फास्ट सो क्विक। और थोड़ा आगे जाते, ये जो पूरा मिल्की वे है ना अपना, ये ऐसे कुछ होता है मिल्की वे, ओके, ये बेब्लेड हो गया, लेकिन ऐसे ही कुछ होता है मिल्की वे, ओके, इफ आई वुड हैव द राइट टूल्स आई वुड हैव मेड इट, ओके। सो द मिल्की वे इज मूविंग लाइक थ्रू द यूनिवर्स विद द स्पीड ऑफ 230 किलोमीटर पर सेकेंड, ओके। सो नाउ फ्रॉम द यूनिवर्स पर्सपेक्टिव, अगर यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो ये कार कितने स्पीड से ट्रेवल कर रही है इन एक्चुअलिटी, 230 किलोमीटर पर सेकेंड। कैन यू सी द डिफरेंस, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, देख रहे हो स्पीड का डिफरेंस। सो वॉट वी आर ट्राइंग, वेर वी आर ट्राइंग टू गेट इज कि मोशन रिलेटिव होता है, तो ये कहना भी गलत नहीं है कि ये कार ट्रेवल कर रही है 230 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये कहना भी गलत नहीं है दैट द कार इज ट्रेवलिंग 40 किलोमीटर पर आवर। द पॉइंट इज आप रेफरेंस कौन सा ले रहे हो, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, ओके, आप उस मोशन का रेफरेंस कैसे ले रहे हो। जैसे कि अभी हम कहते हैं लाइक यू नो रिसेंटली व्हाट दे डिस्कवर्ड वाज दैट द होल सोलर सिस्टम सब प्लैनेट जो है इट डजंट मूव, इट डजंट रिवॉल्व अराउंड द सन, ओके, ये सन है और ये सारे जो प्लैनेट्स हैं हमारे, सो दे डोंट मूव अराउंड द सन बट अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द होल सोलर सिस्टम, इवन सन इज रोटेटिंग अराउंड दैट सीजी, ठीक है, ये जो एक्सिस है सोलर सिस्टम का इसके अराउंड सब कुछ रोटेट कर रहा है। सो यू नो अगर आप अर्थ पे हो, द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से इफ यू आर स्टैंडिंग हियर, ओके, सो इन स्पेस आप क्या डेटम लोगे कि ये चीज स्टेशनरी है और उसके रिलेटिव आप मोशन कैलकुलेट करोगे, ऐसा कुछ नहीं है विच इज स्टेशनरी, राइट, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन रिसर्च ऐसा कोई भी स्टेशनरी चीज नहीं है, तो आप किसको रेफरेंस मान के सबका स्पीड कैलकुलेट कर रहे हो, दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, राइट। इसके लिए द यू नो द स्पेस रिसर्च पीपल आर ऑलवेज परप्लेक्स्ड कि क्या रोटेट हो रहा है और क्या स्टेशनरी है और क्या किसके अराउंड रोटेट हो रहा है, तो रिलेटिव मोशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल, लाइक सम पीपल से कि स्क्रिप्चर्स में कहते हैं कि अर्थ इज द सेंटर एंड अर्थ के अराउंड सब कुछ रोटेट हो रहा है, इन अ वे इट इज ट्रू ऑल्सो, क्योंकि आपको पता नहीं स्पेस में क्या स्टेशनरी है, सो अज्यूम वन पॉइंट टू बी स्टेशनरी एंड यू यू नो स्टडी ऑल द अदर पार्ट्स फ्रॉम परस्पेक्टिव ऑफ योर प्लेस, ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, राइट। सो द होल कंक्लूजन इज दैट मोशन इज रिलेटिव, ओके। अभी ये चीज कहां से आई, ये दिए है सर गैलीलियो ने, ओके, तो गैलीलियो जो थे अभी हम लोग उनका जो मोशन हमने देखा मोशन स्टडी, तो एक बार क्या हुआ ये इनके दिमाग में कैसे है पहले तो ये देखते, ठीक है। गैलीलियो के समय में वो ट्रैवल करते थे बड़े बड़े शिप्स से, ठीक है, बड़े वेसल्स होते थे, और यू माइट नो ऐसे कुछ यू नो देर वुड बी कर्टन्स ऑफ क्लॉथ और उससे वो लोग ये फ्लैग होते थे ऐसे कुछ, ठीक है, और उससे शिप पूरी ट्रैवल करती थी, ये डेक होता था, ओके। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया एक दिन
कि जब वो शिप व्हेन द शिप वाज एट द शोर, ठीक है, और वो खड़े थे किसी एक एलिवेशन पे, ठीक है, गैलीलियो वाज स्टैंडिंग एंड ही ड्रॉप्ड एन आइटम, लेट्स टेक अ बॉल, ठीक है, फुटबॉल, ठीक है, ही ड्रॉप्ड एन आइटम तो वो स्पॉट पे गिरी, ठीक है। अभी उन्होंने क्या किया, नाउ ही टुक द शिप इन टू द ओशन, ठीक है, नाउ द शिप वॉज मूविंग विथ सम स्पीड, वी वेलोसिटी ले लेते हैं, ठीक है, एंड ही डिड द सेम एक्सपेरिमेंट एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट द बॉल ड्रॉप्ड एट द सेम पॉइंट। एक्चुअली ये बहुत ऐसे तो कैजुअली बहुत बहुत सिंपल चीज लगती है, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू नोटिस। देखो अगर आप कार में ट्रेवल कर रहे हो, ओके, सो इफ यू आर ट्रेवलिंग इन अ कार, ठीक है, और आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, पीछे बैठे हो आप, और आपने आप क्या करते हो, एक कॉइन टॉस करते हो ऊपर, ठीक है। नाउ इफ यू सी व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग विद सर्टेन वेलोसिटी, इवन द कॉइन इज ट्रैवलिंग विद दैट सेम वेलोसिटी, राइट, वी वन ले लेते हैं इसकी वेलोसिटी, तो कॉइन भी ट्रैवल कर रहा है विद वी वन वेलोसिटी, एंड व्हेन यू थ्रो द कॉइन अपवर्ड्स, ऐसे नहीं होता कि एट दिस पॉइंट जो कॉइन है वो पीछे चला जाएगा बिकॉज टू मेंटेन इट्स इनर्शिया, नहीं, वो क्या करता है, वो इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऊपर जाता है और नीचे आता है। सो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव व्हाट यू आर सीइंग इज दैट द कॉइन इज जस्ट गोइंग अप एंड डाउन, सो दिस इज वेरी नॉर्मल टू यू, लेकिन जो व्यक्ति या जो पर्सन बाहर से देख रहा है ना, फॉर यू द मोशन ऑफ कॉइन विल बी जस्ट अप एंड डाउन, बट फॉर दिस पर्सन व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग दिस वे व्हाट ही सीज इज दैट द कॉइन इज गोइंग अप, और कार आगे जा रही है वैसे कॉइन भी तो आगे जा रहा है, और फिर आगे जाके कॉइन यहाँ पे गिर जा रहा है। ओके, सो व्हाट इट इट्स द कॉइन की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो वी वन ही है। ओके, सो दिस इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन आउटसाइडर, आप समझ रहे हो, सो द कॉइन इज मेंटेनिंग द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो जो फ्रेम में वो है उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इट इज एक्टिंग, सो दिस इज कॉल्ड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ओके, सो यू गेटिंग इट, आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर कि हम लोग अभी जैसे हम कोई कार ऑब्जर्व करेंगे ना, इफ द कार इज, जैसे ये एग्जाम्पल मैंने दिया था, योर कार इज रनिंग ऑन हाईवे 40 किलोमीटर पर आवर, सो योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द अर्थ, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा स्टेशनरी होता है। ओके, सो इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ अर्थ वी से देन द कार का स्पीड क्या होगा, 40 किलोमीटर पर आवर, सो वेलोसिटी ऑफ द कार विल बी 40 किलोमीटर पर आवर व्हेन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अर्थ, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा स्टेशनरी होता है। ओके, व्हेनेवर यू क्लेम समथिंग टू बी योर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देन यू अज्यूम इट टू बी स्टेशनरी, और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सब सब चीजें होती है। ओके, तो एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सी, गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, उसने देखा कि शिप जब स्टेशनरी है ना, एक जगह पे खड़ी है शोर पे, तभी उसने एक ऑब्जेक्ट रिलीज किया तो वो एक पॉइंट पे आके गिरा जो कि एग्जैक्टली उसके नीचे है। देन व्हेन ही स्टार्टेड द शिप एंड व्हेन ही वाज इन द ओशन एंड द शिप वाज ट्रैवलिंग विद अ वेलोसिटी, और तभी उसने ऑब्जेक्ट वो जो फेंका वो भी सेम पॉइंट पे आके गिरा। नाउ व्हाट ही डिड वाज ही स्टार्टेड कंटेम्प्लेटिंग कि अगर एक फिश हो या फिर पानी में कोई ऑब्जेक्ट हो, विच इज कोई भी, एक फिश ले लेते हैं, ही सेड नाउ दिस फिश इफ ही इज ऑब्जर्विंग दिस विच इज एट वेलोसिटी जीरो, वो स्टेशनरी है, इफ इट इज ऑब्जर्विंग दिस ऑब्जेक्ट तो शिप तो ट्रेवल कर रही है, सो फॉर द फिश द ऑब्जेक्ट वुड एक्चुअली बी गोइंग फर्दर एंड ड्रॉपिंग एट सम अदर पॉइंट। ओके, हियर दैट मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट वॉज ऑल्सो ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ द शिप, ठीक है, तो ये उसने फाइंड आउट किया। मतलब एक सिंपल चीज, एक स्टेटमेंट में अगर लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी मेजरमेंट्स आर रिलेटिव टू द इनर्शियल फ्रेम
ऑफ रेफरेंस, ठीक है, कौन से रेफरेंस है आप देख रहे हो उस पे रिलेटिव है कि वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, फ्रॉम व्हाट रेफरेंस यू आर सीइंग उससे डिफाइन होगी कि वेलोसिटी वहां से रिलेटिव टू दैट पॉइंट हाउ मच इट इज, ठीक है। अगर वो पॉइंट स्टेशनरी है तो ऐसे दिखेगी, मान लो फिश ट्रैवल कर रही है, मान लो ये जो शिप है दिस इज ट्रैवलिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर, और ये जो फिश है इट इज ट्रैवलिंग बाय 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं हम लोग, ओशन के नहीं कंसेप्ट के, ओके। सो इट इज ट्रैवलिंग एट 2 किलोमीटर पर आवर एंड द शिप इज ट्रैवलिंग बाय 5 किलोमीटर पर आवर, सो व्हाट द फिश विल ऑब्जर्व इज ये जो शिप है ना दिस इज ट्रैवलिंग एक्चुअली एट 3 किलोमीटर पर आवर, दोनों का डिफरेंस हो, द फिश विल ऑब्जर्व लाइक दैट बिकॉज इवन द शिप इज ट्रैवलिंग इन दिस वे एंड द फिश इज ट्रैवलिंग इन दिस वे, सो उसके लिए तो ये 3 किलोमीटर पर आवर से ही चलेगी, और कॉइन भी उतने स्पीड से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में जाएगा और आगे गिरेगा। आर यू गेटिंग इट? और यही कंसेप्ट से इवॉल्व हुआ ये आइडिया कि गैलियो ने सोचा कि अगर ऐसा है तो फिर शायद अर्थ भी मूव हो रहा है, लेकिन हम उस पे ही खड़े हैं इसलिए हमें रियलाइज नहीं हो रहा, ओके। एंड देन ही प्रपोज दिस रेवोल्यूशनरी आइडिया कि अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, ठीक है, ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ओके, कीपिंग द सन एज द रेफरेंस, क्योंकि उसने देखा कि बहुत सारे प्लैनेट्स भी है और वो भी घूम रहे हैं यू नो अराउंड समथिंग, सो इट मस्ट बी सन बिकॉज इट इज द मोस्ट हेवीएस्ट ऑब्जेक्ट। बट लेटर ऑन देर आर सम डिस्कवरीज कि कुछ जैसे मैंने कहा कि इट इज मूविंग अराउंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द होल सोलर सिस्टम, और रिसर्चेस भी चल रहे हैं, ओके। बट दिस वॉज द पॉइंट वेन गैलीलियो वॉज यू नो अपोज बाय द कंटेम्प्रेरी चर्चेस दैट टाइम, एंड बट लेटर ऑन साइंटिस्ट एक्सेप्टेड वॉट ही वॉज ट्राइंग टू से, ओके। सो आई थिंक एटलीस्ट दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू नाउ कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। हम लोग हमेशा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ लेंगे, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर मेंशन नहीं किया है बिकॉज दिस इज द मोस्ट सूटेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर अस, क्योंकि हम अपने रोज यू नो इन आर एवरीडे लाइफ वी डोंट ऑब्जर्व द अर्थ मूविंग, यू नो इवन दो इट इज मूविंग एट सच लार्ज स्पीड्स, यू नो 30 किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन हम लोग अपने यू नो स्पीड एक्सीड करता है अगर कोई रोड्स पे हाईवेज पे तो पुलिस पकड़ लेती है, इवन इफ ही इज लाइक 50 किलोमीटर पर आवर समटाइम्स ही इज एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट, यू नो सो वी डोंट केयर हाउ मच अर्थ इज ट्रैवलिंग, सो मे बी ऑल ऑफ अस आर ट्रैवलिंग एट 30 किलोमीटर पर सेकेंड। तो वैसे देखा जाए तो यू नो एन एरोप्लेन ट्रैवलिंग अप इन द स्काई विद अ वेरी ग्रेट वेलोसिटी और नीचे एक बंदा खड़ा है हु इज जस्ट स्टैंडिंग, सो एक बहुत बड़े पिक्चर से अगर हम देखें तो दोनों भी हम 30 किलोमीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहे हैं, ओके। लेकिन हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, सिंस वी आर इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ अर्थ, सो वील कंसिडर दैट दिस पर्सन इज स्टेशनरी एट 0 मीटर्स पर सेकेंड और 0 किलोमीटर्स पर सेकेंड एंड दी प्लेन इज ट्रैवलिंग विद सम स्पीड, ओके। सो आई होप विद दिस दी कंसेप्ट ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज क्लियर, ओके। एंड इवन दो इफ यू अगर आपको कोई डाउट्स है और या फिर आप चाहते हो कि मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करूं, देन प्लीज यू नो सेंड मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड वी कैन रिपीट द होल कंसेप्ट अगेन, ओके ओके। तो अभी हम देखते हैं जो क्वेश्चन मैंने कल पूछा था कि क्या हो गया, ये वाला कि क्या सिग्निफिकेंस है ऑफ द फर्स्ट लॉ ओवर द सेकेंड लॉ, ठीक है, वहां पे हम लोग देखते हैं। देखो पहले तो उसके लिए एक बार वापस हम लोग फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ देखते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, ओके। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि एवरी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में ही रहेगा या फिर वो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये था फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा लॉ क्या कह रहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, मतलब क्या, एफ इज इक्वल्स टू एम ए व्हेन मास इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, ओके। तो ये फर्स्ट और सेकेंड लॉ था।
तो अभी हम देखते हैं कि फर्स्ट लॉ का क्या सिग्निफिकेंस है। ओके, सो आई विल राइट द सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो तीन इम्पोर्टेंस है इसके, आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको मिल जाएंगे ये। पहली चीज तो फर्स्ट लॉ क्या इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट लॉ इज सीक्रेटली इंडिकेटिंग अस टूवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछा था ताकि आप कंटेम्पलेट करो उस पर। ठीक है, क्या कह रहा है फर्स्ट लॉ, वो कह रहा है कि या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा या फिर वो मोशन में रहेगा। ओके, और दोनों भी चीजें सेम ही है, डिपेंड करता है आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो। ठीक है, वो ऐसे इंडिकेट कर रहा है, वो क्या कह रहा है कि अगर रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन में तो मोशन में ही रहेगा। ठीक है, अनलेस एंटिल द एक्सटर्नल फोर्सेस एडेड, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्सेस अप्लाइड ओवर इट। तो वो दोनों को एक ही लेवल पे ला रहा है कि ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहने दो या फिर मोशन में रहने दो, सेम ही है। इसका मतलब क्या है, डिफरेंस इज जस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे वो इस कंसेप्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वेयरएज द सेकेंड लॉ डजंट डू दैट। दूसरी चीज, तो मेरे ख्याल से लिखते भी है ये, सो दैट यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। ओके, तो टेक्निकल स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, द डिस्टिंक्शन, या फिर अगर पूरा आपको देखना है तो आपका टेक्स्ट बुक में ऐसे सेंटेंस दिया है कि इट शोज एन इक्विवेलेंस बिटवीन स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एज बोथ नीड अ नेट बैलेंस्ड, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स टू चेंज द स्टेट। ओके, बोथ दीज आर रेफर्ड टू एज स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट पे होना और मोशन में होना दोनों को बोला गया है एज स्टेट ऑफ मोशन। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन लाइज इन द चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो मैं ये फाइनल स्टेटमेंट लिखता हूँ जस्ट टू सेव द टाइम, यू कैन गो थ्रू द टेक्स्ट बुक। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन लाइज इन द चॉइस ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लाइज इन द चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, दूसरी चीज। ओके, दूसरा क्या कह रहा है ये, देखो जो फर्स्ट लॉ है इट इज इंडिकेटिंग अ फोर्स एज एन एंटिटी, मतलब वो सिर्फ बता रहा है कि फोर्स इज द कॉज फॉर द इमोशन। ठीक है, वो क्वांटिफाई नहीं कर रहा है कि फोर्स कितना है। ओके, सो दिस इज वन थिंग, फोर्स एज कॉज, तो इसको हम कह सकते हैं कि इट इज नथिंग बट कॉजल अप्रोच। वेर एज द सेकेंड लॉ इट क्वांटिफाइज कि कितना फोर्स है। ओके, सो एंड राइट दैट इट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, फोर्स इज समथिंग दैट इनिशिएट्स द मोशन, ये लिखता हूं। ओके, फोर्स इज समथिंग दैट इनिशिएट्स अ मोशन। आपको सेकेंड लॉ में कभी भी आपको ये कंक्लूजन नहीं मिलेगा कि फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, वो सिर्फ यही इंडिकेट कर रहा है कि एफ इज इक्वल टू एम ए। सो सेकेंड लॉ क्या देता है, सेकेंड लॉ इज क्वांटिटेटिव अंडरस्टैंडिंग,
मिरर्स द फर्स्ट लॉ इज द कॉजल अंडरस्टैंडिंग, कि ये चीज वो बता रहा है कि मोशन फोर्स की वजह से हुआ है. ओके, सेकेंड लॉ सिर्फ क्वांटिफाई कर रही है कि कितना फोर्स है, लेकिन ये नहीं बता रही है कि मोशन किसके वजह से हो रहा है, फोर्स की वजह से हो रहा है. ये अपने को फर्स्ट लॉ में ही पता चलेगा. एंड द थर्ड थिंग, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें फर्स्ट लॉ क्या सिखाता है? फर्स्ट लॉ टीचर्स अस दैट इनर्शिया इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी फिजिकल ऑब्जेक्ट. ओके, तो जैसे कि यहाँ पे भी मैंने लिखा है फर्स्ट लॉ के आगे, देखो फर्स्ट लॉ क्या इज ऑल्सो सेट टू बी एज लॉ ऑफ इनर्शिया. तो ये सबसे बड़ा कंक्लूजन है कि फर्स्ट लॉ हमें सिखाता है किसके बारे में, इनर्शिया के बारे में. ओके, तो क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम लोग, दैट इनर्शिया इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी फिजिकल ऑब्जेक्ट बाय विच द ऑब्जेक्ट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. राइट, हमने बहुत सारे वीडियोस देखे फर्स्ट लॉ के बारे में. इट वॉज ऑल अबाउट इनर्शिया. ठीक है, सो इनर्शिया इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी फिजिकल ऑब्जेक्ट बाय विच द ऑब्जेक्ट रेजिस्ट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. ये चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ये कंक्लूजन आपको कभी भी सेकेंड लॉ से नहीं मिलेगा, क्योंकि सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ एक क्वांटिटेटिव अंडरस्टैंडिंग है. तो आपको ये इनर्शिया की अंडरस्टैंडिंग कभी भी सेकेंड लॉ से नहीं मिलेगी. आप कैलकुलेट कर सकते हो इनर्शिया सेकेंड लॉ से, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी कि ऐसा कुछ चीज है. ओके, इनर्शिया. ओके, बेसिकली क्या है इनर्शिया, कैसे समझता है हमें फर्स्ट लॉ से. देखो कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि बाय नेचर इट वांट्स यू नो टू बी इन मोशन. सो व्हेन एवर यू स्टॉप इट, इट विल स्टिल हैव सम इम्पैक्ट, क्योंकि उसको मोशन में रहना है. ओके, सो दिस इज व्हाट वी गेट फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इफ इट इज एट रेस्ट. हमने इनर्शिया देखा पहले भी क्या होता है, इट वांट्स टू बी एट रेस्ट. आप मोशन दोगे, आप फोर्स लगाओगे, बट स्टिल देर विल बी सम यू नो रेजिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू अंडरगो दैट मोशन. सो दिस इज सिंपली द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द फर्स्ट लॉ. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. ओके, नाउ वील सी वॉट आर रियल फोर्सेस एंड सूडो फोर्सेस. ठीक है, ओके, तो ये नया कॉन्सेप्ट है रियल फोर्सेस एंड सूडो फोर्सेस. ठीक है, या फिर सिंगुलर लेते फोर्स, दिस विल बी मोर एक्यूरेट. ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग सूडो फोर्स, ये देखो यहाँ पे लिमिटेशन में हमने देखा था. एक तो हमें पढ़ना था वॉट आर इनर्शियल, वॉट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो हमें पढ़ लिया. ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं वॉट इज सूडो फोर्स. ठीक है, तो जरा ध्यान देना, बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन समझ जाओगे. ओके, रियल फोर्स आपको पता ही है, जो भी हमने फोर्स अभी तक अप्लाई किया, देखो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्सेस में, ये सारे रियल फोर्सेस हैं. ठीक है, क्योंकि ये दिख रहे हैं हमको, अप्लाई कर रहे हो, उनका रिजल्ट क्या हो रहा है, मोशन इनिशिएट हो रहा है या फिर रुक जा रहा है. ठीक है, बट व्हाट आर सूडो फोर्सेस, टू अंडरस्टैंड सूडो फोर्स लेट अस डू एन एक्सपेरिमेंट. ठीक है, एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते. मान लो कि ये एक ट्रक है. ठीक है,
ट्रक के ऊपर एक बंदा खड़ा है, ठीक है, और ये रोड है, ठीक और रोड के उस तरफ कुछ पत्थर है, ओके, रोड के इस तरफ है ऑब्जर्वर, इसको हम नाम देते हैं ए और इस पर्सन को नाम देते हैं बी। अभी ये जो ऑब्जर्वर है ए, तो अभी ये इन पत्थरों को देख रहा है, तो पत्थर तो स्टेशनरी है, वो तो एटरेस्ट है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर ए जब ऑब्जर्वर बी को देख रहा है, तो ऑब्जर्वर बी उसको मूविंग दिख रहा है, ओके, ही इज मूविंग एट 5 मीटर्स पर सेकेंड, ये उसका स्पीड है, ठीक है, जो कि ट्रक का भी स्पीड है। बट द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन दिस बी इज ऑब्जर्विंग दी स्टोन्स, ठीक है। तो अभी क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि उसको दिख रहा है कि स्टोन्स इस तरफ जा रहे हैं विद दी वेलोसिटी 5 मीटर्स पर सेकेंड, ओके। सो फ्रॉम बीज पॉइंट ऑफ व्यू दिस ट्रक इज दी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो उसके लिए ये ट्रक स्टेशनरी है, इट इज दी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड बिकॉज दिस इज हिज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ही इज ऑब्जर्विंग दैट दी स्टोन्स आर मूविंग विद 5 मीटर्स पर सेकेंड। फॉर ए दी होल अर्थ इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड दिस ट्रक इज मूविंग विद 5 मीटर्स पर सेकेंड, बट दिस स्टोन्स आर एट रेस्ट। बट फॉर बी दिस ट्रक इज हिज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके। सो अभी उसके ऑब्जर्वेशन के अनुसार ये जो स्टोन्स है, दीज आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विद 5 मीटर्स पर सेकेंड, ये स्पीड से मूव हो रहा है। तो मतलब देखो, फोर्स तो इस पे लग रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इफ वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बी, तो हम लोग ऐसे इमेजिन करेंगे कि ये जो स्टोन है इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, ओके। सूडो फोर्स, सूडो फोर्स का क्या मतलब है? सूडो फोर्स का मतलब है दिस लिटरली मीन्स फॉल्स, फॉल्स फोर्स है नहीं, ठीक है, लेकिन हम लगा रहे फॉर कैलकुलेशन पर्पजेस, ओके। सो नाउ वन टर्म आई विल इंट्रोड्यूस टू यू, एक होता है हमने जो देखा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, और अभी हम देख रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसका मतलब क्या है कि जिस फ्रेम से आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो फ्रेम ही खुद एक्सेलरेटिंग है, इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, ओके। सो इफ दिस इज द केस, लेट्स नॉट टेक दिस एज वेलोसिटी, लेट्स टेक दिस एज एन एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन ले लेते हैं लोग। सो द एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इसको दिख रहा है कि दिस इज मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। नाउ नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब क्या होता है कि व्हेन योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, ओके, देन इट हैपेंस सो दैट इट अपेरेंटली यू सी सम द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है अपना, ठीक है, यू सी द ऑब्जेक्ट मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विद द सेम एक्सेलरेशन, ओके। सो दैट टाइम वी टेक सूडो फोर्स इनटू कंसिडरेशन, ओके। सो आई होप यू आर गेटिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, ओके। सो नाउ लेट्स राइट इन समरी समरी में लिखते हैं कि सूडो फोर्स क्या है। इज नथिंग बट फॉल्स फोर्स, डजेंट एग्जिस्ट, ठीक है। इसका एप्लीकेशन कब है, हम कब इसको यूज करेंगे? इसका एप्लीकेशन तब है जब ऑब्जर्वर खुद उसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एक्सेलरेटिंग, ओके, व्हेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ऑब्जर्वर इज एक्सेलरेटिंग, ठीक है, या फिर इज इन एक्सेलरेशन, ठीक
ठीक है। वैसे तो देखा जाए फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब वो फ्रेम स्टेशनरी है, ओके, सो दैट इज नॉट मूविंग। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब दैट थिंग इज नॉट मूविंग फॉर यू, दैट इज रेफरेंस फॉर यू विच इज स्टेशनरी। तो इस बंदे के लिए अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अर्थ मूव नहीं कर रहा है, लेकिन इसके लिए ये गाड़ी खुद ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेकिन इन एक्चुअलिटी इट इज मूविंग, ओके। सो दैट इज वाई इन दिस केस दिस होल सिनेरियो कम्स अंडर नॉन इनर्शियल फील्ड, ओके, सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तीसरी चीज, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीसरी चीज है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में होता है सूडो फोर्स, इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ओके, ऑलवेज ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ओके। देखो फिगर में देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है, ओके, सो इट अपियर्स टू बी मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, राइट, लेकिन ऑब्जेक्ट इट विल एक्सेलरेट इन दिस डायरेक्शन। तो फिर इसका इसको हम फोर्स, जो कि सूडो फोर्स है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फोर्स चाहिए, तो नाउ अपेरेंटली सिंस दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग, देन इट्स अपेरेंट सूडो फोर्स शुड बी इन विच डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, सो विच इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फोर्थ थिंग इज मैग्नीट्यूड, क्या मैग्नीट्यूड है सूडो फोर्स का, इट इज कैलकुलेटेड एज मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, FOR, ठीक है। तो कैसे, क्या है इसका फॉर्मूला, देखो ये जो FP है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है, इसका मास, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय किसका एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द सूडो फोर्स, ओके। और एक नोट मैं देता हूं आपको, ये नोट भी लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा है देखो कि नेसेसरी नहीं है कि किसी कैलकुलेशन में आप ये सूडो फोर्स इस्तेमाल करो, ओके, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू कंसिडर दिस सूडो फोर्स इन कैलकुलेशन। विदाउट टेकिंग सूडो फोर्स इन टू कंसिडरेशन ऑल्सो यू कैन सॉल्व दी प्रॉब्लम्स, बट द थिंग इज इन सम केसेस इट इज वेरी एफिशियंट टू यूज दिस सूडो फोर्स, के कैलकुलेशन बिकम्स मच इजी इफ वी कंसिडर दिस सूडो फोर्स कंसेप्ट, ठीक है। तो यही चीज लिखते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी टू टेक सूडो फोर्स इनटू कंसिडरेशन फॉर गेटिंग सॉल्यूशन, और यू कैन राइट फॉर सॉल्विंग एनालाइजिंग, एनालाइजिंग का स्पेलिंग क्या होता है, बट इन सम
केसेस इट गिव्स अस एफिशिएंट सॉल्यूशन। ठीक है, ये नोट लिख लेना। देखो आप नोट्स बनाते जाओ, मैं तो तेज लिख रहा हूँ और आगे भी बढ़ रहा हूँ, लेकिन यू कैन पॉज द वीडियो, मेक द नोट्स फॉर योरसेल्फ। किसी भी फ्रेम में आप पॉज कर सकते हो और नोट्स ले सकते हो। ओके, सो कीप नोटिंग डाउन। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक एन एग्जांपल। इससे क्या है, चीज और क्लियर होती जाएगी कि कैसे सूडो फोर्स हम यूज करते हैं कैलकुलेशन में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, देखो। ठीक है, पहले तो ये एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है। ठीक है, तो मैं पहले आपको सिखाता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम कैसे कैलकुलेट, कैसे बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या होती है, मान लो ये कोई मास है, ये प्लेस्ड है ग्राउंड पे। ठीक है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अभी हमें बनाना है। ठीक है, फ्री बॉडी FBD, इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब जो मास को हमें एनालाइज करना है, जो ऑब्जेक्ट को हमें एनालाइज करना है, उसके सेंटर पे या फिर उस पे कौन से फोर्स आ रहे हैं उस पे वो मार्किंग कर दो। तो ये केस में देखो, ये जो है MG, इसका वेट जा रहा होगा, ये फोर्स है डाउनवर्ड्स। ठीक है, और या फिर थोड़ा और तरीके से बनाता हूँ मैं, देखो ये MG जा रहा होगा नीचे टू द ग्राउंड, राइट। लेकिन ग्राउंड से इसको क्या हो रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा। क्यों आ रहा है नॉर्मल रिएक्शन, हमने न्यूटन का थर्ड लॉ देखा है। नाउ सी दिस ब्लॉक, यू नो इट इज हैविंग सम वेट, सो इट इज पुटिंग सम फोर्स डाउनवर्ड्स, बट द रिजल्टेंट इज द ब्लॉक मूविंग फ्रॉम इट्स पोजिशन। नो, द ग्राउंड इज कीपिंग द ब्लॉक एज इट इज। इसका मतलब है कि ग्राउंड भी उतने ही अमाउंट का फोर्स ऊपर अप्लाई कर रहा है टू कीप द ब्लॉक एट इट्स प्लेस। नाउ दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। ओके, सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन दैट वी आर प्लेसिंग। तो ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ये ब्लॉक का। ठीक है, ये एन जिसमें देखो मैं लिख देता हूं, MG इज वेट ऑफ द मास एंड एन इज द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, यही पे आपका पहला होमवर्क का क्वेश्चन बनता है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, ठीक है, ये आपको लिखना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन वन है। तो मान लो मैंने असाइनमेंट में आपको अगर कोई और क्वेश्चन वन दे दिया, तो आप ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो ये समझ गए आप लोग फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। अभी देखो थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लेक्स करते हैं। ये ब्लॉक मैंने रखा है एक बॉक्स में, ठीक है, और बॉक्स को ऊपर लगाया है रोप। ठीक है, तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, ये रोप से ये बॉक्स को ऊपर खींचने वाला हूं। ठीक है, ये रोप से इस बॉक्स को ऊपर खींचने वाला हूं विद एन एक्सेलरेशन ए। ठीक है, और आपको कैलकुलेट करना है कि यहां पे जो ये ब्लॉक जिसका मास m है, ओके,
इस पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होने वाली है। ओके सो मैं लिखता हूं फाइंड दी नॉर्मल रिएक्शन ऑन दी ब्लॉक ऑफ मास एम। ठीक है, तो ये आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व इट। मैंने आपको एफबीडी बना के दिखाया कैसे एफबीडी बनता है। आप ट्राई करो, आई नो इट इज बिट डिफिकल्ट बट ट्राई टू मेक। सी मैं आपको स्टेप्स भी लिख के देता हूँ, ये स्टेप से करने की कोशिश करो एंड लेट सी व्हाट हैपेंस। स्टेप वन है मेक फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले ये बनाओ। फिर स्टेप टू क्या करोगे आप? देखो मुझे आंसर कोई नंबर्स में नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट द फॉर्मूला फॉर द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। ठीक है, तो इसका रेफरेंस लो, एफबीडी बनाओ। इसमें देखो मैं नॉर्मल रिएक्शन कैसे लिखूंगा, ये दोनों क्या है? इक्वल एंड ऑपोजिट। सो नॉर्मल रिएक्शन ये जो है ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव है, राइट? ये नीचे जा रहा है तो ये इक्वल ही होना चाहिए। सो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू एम जी, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन का आंसर होगा। ठीक है, तो सेम चीज आपको इसमें करनी है। एक बार एफबीडी आ गया तो फिर बाद में फाइंड द फॉर्मूला, और यू शुड अगर करेक्टली लिखे इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन फॉर नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये आप कर लो, ये आपका है क्वेश्चन टू आपके होमवर्क का। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दिस। अगर किसी ने इसको बना दिया देन आई शुड टेल यू दैट ही इज अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट, कि इतने इंफॉर्मेशन ने इसने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अगर नहीं करते हो नो प्रॉब्लम, वील सॉल्व इट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, so basically you have to find normal reaction of this block of mass m। कैसे किया? जैसे यहाँ पे किया। ओके, ये एग्जाम्पल में ऊपर वाले वैसे ही आपको करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपको थोड़ा सा सूडो फोर्स का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। ओके, सो आई थिंक विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। ठीक है, हमने आज क्या क्या देखा एक बार देख लेते हैं। ये हो गया था, we started from inertial frame of reference। तो हमने relativity देखी पहले क्या होती है, फिर relative motion देखा हमने क्या होता है, फिर हमने थोड़ा study किया कि relative motion का experiment कैसे किया था Galileo ने, फिर हमने देखा कि motion, ये motion measurement हमेशा relative ही होता है in inertial frame of reference। inertial frame of reference हम लोग क्या लेते हैं? mostly हम लोग earth को ही लेते हैं, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ही चीज़ है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ही चीज़ है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा इट इज एट रेस्ट और उसके रिस्पेक्टिव बाकी सब चीज़ें मूविंग होती। ओके, बिकॉज दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जीरो एब्सोल्यूट उससे होता है शुरू। ठीक है, फिर हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जो क्वेश्चन मैंने दिया था वो हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो फिर हमने देखा व्हाट इज रियल फोर्स, व्हाट इज सूडो फोर्स। सूडो फोर्स हमने समझा, सूडो फोर्स समझने के लिए हमने पहले समझा व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फिर उसमें से हमने कुछ समराइज किया कि सूडो फोर्स क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, डायरेक्शन कैसे होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक नोट लिखी। देन वी सॉ हाउ टू मेक फ्री बॉडी डायग्राम्स एंड देन आई हैव गिवन यू टू क्वेश्चंस टू सॉल्व। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क एंड आपको अभी कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी ऑन व्हाट्सएप एंड प्लीज डोंट लाइक आस्क मी लाइक
सर कि ये FBD ठीक से समझा नहीं, बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन, डोंट वरी, वी आर गोइंग टू सॉल्व मोर सम्स. आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट सो अर्ली, बट गिव इट अ ट्राई, क्वेश्चन करके देखो. ठीक है, तो FBD हम अच्छे से समझेंगे, सूडो फोर्स भी अच्छे से समझेंगे, जैसे हम सॉल्व करेंगे कंसेप्ट और क्लियर होते जाएंगे. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैड फन इन द लेक्चर. थैंक यू.